हरे राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ में होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों श्री हनुमान जी की मूर्ति बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों पहले तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे और बेस बनाएंगे कुछ इस प्रकार से स्क्वायर शेप में। बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से लकड़ी लेंगे छोटा छोटा और कुछ इस प्रकार से वहाँ पर गाड़ देंगे और लंबा कॉइल बना करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से दो भाग करके उसी का दोस्तों लकड़ी के अंदर से डाल देंगे कुछ इस प्रकार से और बना देंगे। क्योंकि दोस्तों लकड़ी नहीं डालेंगे तो दोस्तों गिर सकता है, थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहने के लिए वहाँ पे लकड़ी को डालना पड़ता है तभी जाकर स्ट्रांग रहता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुछ इस प्रकार बना देने के बाद और थोड़ा सा ढेर सारा मिट्टी लेंगे और कुछ इस प्रकार से पेट की स्ट्रक्चर बना देंगे और उसी को पैर के साथ ज्वाइंट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अभी दोस्तों बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे कुछ इस प्रकार से बना देंगे। और एक बात दोस्तों, थोड़ा बहुत भी हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आगे इसी मूर्ति को कलर और डेकोरेट भी करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से धीरे धीरे बनाते जाएंगे। पहले तो अभी दोस्तों बना रहे हैं सिक्स पैक को कुछ इस प्रकार से बना देने के बाद अभी धोती को बना रहे हैं। धोती को पतला पतला स्लेब बना कर कुछ इस प्रकार से बना देंगे। धोती को बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग कर देंगे पानी की मदद से। और इसके बाद कुछ इस प्रकार से टूल लेंगे और धोती का फोल्ड बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। इतना कर देने के बाद और ब्रश लेकर के कुछ इस प्रकार से वहाँ पे फिनिशिंग कर देंगे, क्योंकि हाथ से करेंगे तो खराब हो सकता है, इसलिए वहाँ पे ब्रश का ही यूज़ करेंगे। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद अभी बीच का जो होता है धोती का कमर बंधन की तरह यूज होता है तो उसी को बना देंगे कुछ इस प्रकार से। और इतना बना देने के बाद अभी कमर बंधन बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से, बीच में लड्डू की तरह बना करके चिपका देंगे और साइड साइड में पतला कॉइल बना करके कुछ इस प्रकार से बना देंगे और टूल की मदद से कुछ इस प्रकार से सिंपल डिज़ाइन बना लेंगे। इतना बना देने के बाद अभी जैसे पैर को बनाए तो इस प्रकार से लंबा कॉइल लेंगे और उसी को दो भाग करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से दो हाथ बना लेंगे। एक तो आशीर्वाद देते हुए बनाएंगे और एक हाथ गधा पकड़ा हुआ कुछ इस प्रकार का हाथ बनाएंगे। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करेंगे ताकि मस्कुलर दिख सके। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद अभी उंगलियां का बना रही है। उंगलियां का बनाने के लिए बस बहुत छोटा छोटा करके कॉइल बना लेंगे और कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे चिपका देंगे। इतना बना देने के बाद यहाँ पे हाथ का कड़ा या ज्वेलरी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से वहाँ पे टूल की मदद से सिंपल डिज़ाइन बना लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों दो हाथ बना लेंगे, मैं बस एक हाथ को बना करके ही दिखाया हूँ। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद इसी टाइप से ज्वाइंट कर देंगे दोनों हाथों को। आधा मूर्ति तो बना चुके हैं दोस्तों, अभी और थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और कुछ इस प्रकार से गर्दन बना लेंगे लंबा करके वहाँ पे दोस्तों। गर्दन बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा मिट्टी लेंगे, मिट्टी लेकर के दोस्तों गोल की तरह बना करके यहाँ पे फेस को बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। आँख बनाने की जगह पे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे और ऊपर के साइड में मुकुट के लिए दोस्तों पतला कॉइल बना करके वहाँ पे बॉर्डर का टाइप बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। बना देने के बाद सब कुछ बना देंगे। मैं पहले तो फेस को बना दिया दोस्तों, पहले मुकुट को बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि दोस्तों पहले मुकुट को बना देते तो फिर फेस डैमेज होने का चांस बहुत कम रहता है, तो इसलिए पहले मुकुट का ही बनाना चाहिए। तो इसी प्रकार से बनाते जाएंगे दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं मिलता हूँ आप लोग को वीडियो के अंत में।
शरीर का गाथा का और थोड़ा बहुत डिजाइन कर रहे हैं। इसी को बना देने के बाद हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और ये देख सकते हो दोस्तों हमारे बजरंगबली की फाइनल लुक।